और पत्नी ने पति से कहा, सुनो मैंने तुम्हारे लिए उसल पोहा बनाया है क्योंकि आज तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है, और सुनो आज मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूंगी। अब ये बोलने की जरूरत है क्या? अब ये काय को बोल रही कि झगड़ा नहीं करूंगी, मैंने तुम्हारे लिए उसल पोहा बनाया। उसल पोहा ला के दिया, पति ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ। पति जाने लगा, इतने में पत्नी बोली, सुनो ऑफिस से जल्दी आ जाना, आज अपन दोनों होटल चलेंगे क्योंकि आज तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है। अपन दोनों पर मैं झगड़ा नहीं करूंगी। हो चलो, पति ऑफिस से जल्दी आ गया, दोनों तैयार हुए। पत्नी ने पति से कहा, सुनो मेरा मन कर रहा है आज तुम्हारा जन्मदिन है, कुछ गिफ्ट दिया जाए, तुम्हारे पसंद से तुम मांग लो आज तुमको चाहिए क्या। आज मैं इतनी प्रसन्न हूं, जो मांगोगे मैं दे दूंगी। सिर पे पल्लू लेके बोल रही, आज जो मांगोगे मैं दे दूंगी, तुम मांगो तो सही, तुम्हें चाहिए क्या, बस आज गिफ्ट मांग लो तुम्हें जो चाहिए। पति तैयार हुआ, दोनों निकलने ही वाले थे, पत्नी ने हाथ पकड़ा, पति से कहा, मांगो ना तुमको क्या चाहिए, आज तुम्हारा जन्मदिन है, जो गिफ्ट मांगोगे मैं दे दूंगी। पति ने देखा आज बड़ी कृपा कर रही है, आज मांग ही लूं। और पति ने उससे हाथ जोड़कर कहा, अगर कुछ देना चाहती है तो तलाक दे दे। पत्नी अंदर से झाड़ू उठा के लाई, मांगे भी तो क्या, अब सुबह से नहीं झगड़ी थी, अब वो झगड़ा कर लिया। तो मेरा निवेदन केवल आपसे, व्रत करना है, कोई ऐसा व्रत अपने जीवन में करो कि आज मैं झूठ नहीं बोलूंगी, आज मैं असत्य नहीं बोलूंगी, आज मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी, आज मैं किसी को अपशब्द नहीं कहूंगी, आज मैं किसी से झगड़ा नहीं करूंगी, आज मैं मीठी वाणी बोलूंगी। ये भी एक व्रत है। तुम भूखे मत रहो, तुम्हारा ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा हो जाता है, शुगर ऊंची नीची हो जाती है, बीमार पड़ जाओगे। हमसे कई लोग पूछते हैं, महाराज हम शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं कि हमको व्रत करना पड़ेगा, तो हम पूछते हैं पहले बताओ तुम्हें शुगर है क्या, कि हाँ। ब्लड प्रेशर है क्या, हाँ। तो हमने कहा व्रत करने की जरूरत नहीं है, खूब चरो, काय को व्रत रख रहा। मालूम पड़े व्रत रखोगे, दो दिन कथा में व्रत रख लिया, तीसरे दिन हॉस्पिटल में पड़े रहोगे, कथा किसको सुनाएंगे, इसलिए तुम तो खूब खाओ, पर दुनिया के लोगों के प्राण मत खाओ, अच्छे से मस्त रहो। क्यों, किस वो एक कौन सा व्रत होता है जिसमें माता खट्टा नहीं खाती, खटाई नहीं खाती, कौन सी माता का है, हैं? संतोषी माता का है ना, क्या नहीं खाते उसमें, खट्टा नहीं खाते। अब खट्टा खाएगी नहीं पर खट्टा बोल देगी तो व्रत लगेगा क्या? अरे बोलो तो सही, नहीं लगेगा ना। अब सुबह से खट्टा नहीं खा रही, खट्टा नहीं खा रही, और दिन भर 24 घंटे सास से खट्टा बोल रही तो व्रत लगेगा, उस व्रत का क्या प्रमाण, उस व्रत की कोई मूलता नहीं, खट्टा बोल दी तो व्रत खंडित, उस व्रत की कोई मूल। महाराज ब्रह्मदेव का है, भगवान शिव ने श्राप दिया केतकी के पुष्प को, गौ माता से कहा, ब्रह्मदेव ने कहा इस गाय से पूछो मुझे सिर मिला है। गौ माता को खड़ा कर पूछा भगवान विष्णु ने, क्यों गौ माता, क्या भगवान का सिर, शंकर भगवान का मस्तक क्या ब्रह्मदेव को मिला? गौ माता ने कहा, एक रोटी के लिए गाय झूठ बोल दी है महाराज, एक रोटी के, हाँ महाराज बिल्कुल सत्य है। ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर का सिर देखा, भगवान शंकर की आकाशवाणी हुई, नारायण ये गाय भी झूठ बोल रही है, ये गाय झूठ बोल रही नारायण, और गौ माता तूने झूठ बोला है, मैं तुझे श्राप देता हूं गौ माता कि तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य रहेगा। और महाराज गाय का पूरा शरीर पूज्य होता है पर गाय का मुख अपूज्य होता है। आज भी नियम है, गाय किसी बर्तन में अगर मुंह लगा देती है तो उस बर्तन को 7 दिन तक गंगा जल भर के रखना पड़ता है, 5 दिन तक आग में तपाना पड़ता है, 3 बार राख से मांजना पड़ता है,
फिर 3 दिन तक चंद्रभागा नदी का पानी उसमें भर कर रखना पड़ता है, तब जाकर वो बर्तन घर के काम में आता है, तो भी भगवान की सेवा में नहीं जाता अगर उसने मुख लगा दिया तो। झूठ बोल, हिंदू धर्म में सारे दान आगे से होते हैं, वस्त्र दान आगे से, कन्यादान आगे से, मुद्रा दान आगे से, स्वर्ण दान आगे से, सारे दान आगे से होंगे। हिंदू धर्म में केवल एक दान होता है, गौ माता का दान, जो पीछे से होता है, गाय की पूंछ पकड़कर किया जाता है, आगे से नहीं। और गौ दान का नियम है, गाय की पूंछ पकड़कर दान देने के बाद में जब गौ माता की परिक्रमा होती है तो गाय की परिक्रमा करते समय गाय के सामने नहीं जाते। अगर गौ दान करने के बाद गाय के सामने अगर चले जाते हैं तो हमारी 7 पीढ़ी में अगर कोई दान करा हुआ है तो उसका भी पुण्य छिन्न हो जाता है। इसलिए गौदान करने के बाद गाय की पूंछ पकड़कर जब गौदान दिया जाता है तो गौदान करने के बाद जो गाय का दान देता है वो गौ माता की परिक्रमा पूरी नहीं लगाता, पीछे से चल के गाय के नीचे से निकलकर पीछे आ जाता है, पर गाय के सामने नहीं जाता, नीचे से निकलकर पीछे आ जाए, सम्मुख नहीं पहुंचे, क्योंकि तूने झूठ बोला। अब जरा विचार करो, गाय ने झूठ एक बार नहीं बोला, गौ माता ने झूठ 2 बार बोला है, एक बार शंकर जी के सामने, एक बार राम जी के सामने। आप लोगों ने प्रसंग सुना होगा, राम लक्ष्मण सीता फाल्गु नदी के तट पर गए, गया नदी पर गए, और फाल्गु नदी के तट पर राम सीता लक्ष्मण तीनों, उसी समय पर दशरथ जी आए, राम सीता स्नान कर रहे थे, गया नदी का तट था, भगवान की भक्ति में डूबकर स्नान कर रहे हैं। सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम। गाइए, सब गाइए, सीता राम राम राम, 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 सीता राम 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 राम, सीता 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 राम राम राम, दोनों हाथों से सीता राम राम राम, 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 सीता राम
राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम हर महा सीता राम लक्ष्मण तीनों स्नान करने के लिए गए। दशरथ जी का आगमन हुआ महाराज। दशरथ जी पधारे, प्राण छूट चुके थे दशरथ बाबा के, और दशरथ जी के जब प्राण छूट चुके तो दशरथ जी महाराज आकर खड़े हुए राम से बोले, राम मुझे पिंडदान कर दो नहीं तो मैं नरक चले जाऊंगा, पिंड दो मुझे। राम जी ने कहा, पिताजी पिंड बनाने के लिए तो अन्न चाहिए और अन्न हमारे पास में नहीं, हम भिक्षा मांग कर लाएंगे तब आपको ला कर दे देंगे, आप कल आकर पिंड लेकर जाओ। ठीक है, राम जी भिक्षा के लिए चले गए। दूसरे दिन सीता मैया स्नान करने के लिए गईं। जैसे ही स्नान करने के लिए गईं तो दशरथ जी फिर आ गए, बहुरानी हमें पिंड दे दो। सीता जी ने कहा, पिताजी पिंड तो अन्न का बनता है, अन्न मेरे पास में नहीं है। दशरथ जी ने कहा, अगर तुम मुझे पिंडदान नहीं करोगी तो मैं नरक चले जाऊंगा। घर की बहू पिंड दे सकती है क्या? हाँ दे देगी, तुम पिंड दो। सीता जी ने ब्राह्मण देवता को बुलाकर कहा, पंडित जी आप मंत्र छुड़वा दो, आप बताओ कि मेरे ससुर को पिंड देना है। पंडित जी ने कहा, एक काम करो, बालू रेत का पिंड बनाओ। फाल्गुन नदी की बालू का पिंड बनाया गया, बालू रेत का पिंड बनाकर एक पिंड पंडित को दिया, दूसरा पिंड गौ माता को दिया, तीसरा पिंड फाल्गुन नदी को दिया, चौथा पिंड दशरथ जी को दिया। दशरथ जी पिंड लेकर चले गए। थोड़ी देर बाद राम जी आ गए। राम जी ने कहा, सीता ये चावल लो, पिंड बनाओ, पिताजी को देना है। सीता जी ने कहा, स्वामी पिंडदान तो मैंने कर दिया। कर दिया? ना मानो तो पंडित जी से पूछो। पंडित जी से राम जी ने पूछा, क्यों पंडित जी, सीता जी ने पिंडदान कर दिया? पंडित जी ने मन में सोचा, बालू रेत का पिंड दिया, क्या मेरे बच्चों का पेट भराएगा, क्या मेरा पेट भराएगा? राम जी के हाथ में चावल देखे तो पंडित जी ने कहा, महाराज सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं करा। जैसे ही पंडित जी झूठ बोले, सीता जी की आंख में आंसू भर गए। रोते हुए माँ जानकी बोली, रे ब्राह्मण तूने पिंडदान करवाया और तू झूठ बोल रहा है। ए ब्राह्मण देवता, मैं तुझे श्राप देती हूं, तो कितना भी जोड़ लेना, हमेशा तेरे यहां कमी ही पड़ेगी, तू झूठ बोला। सीता जी ने गौ माता से कहा, गौ माता आप तो बोलो कि मैंने पिंडदान करा। गाय ने राम जी के हाथ में चावल देखकर कह दिया, सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं करा। सीता जी ने श्राप दे दिया, गौ माता तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा, क्योंकि तू मेरे पति के सामने राम के सामने झूठ बोली, तू झूठ बोली, असत्य। गाय दो बार झूठ बोली। सीता जी ने बाद में फाल्गु नदी से कहा, नदी तू तो बोल तेरे जल में मैंने पिंडदान करा। फाल्गु ने सोचा, मेरी बालू रेत मुझ में डाल दी, कोई पिंडदान होता है? फाल्गु ने कह दिया, सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं करा। सीता जी ने श्राप दे दिया, फाल्गु नदी एक गया नदी, मैं तुझे श्राप देती हूं, जब तक तुझे खोदे नहीं तब तक तुझ में पानी निकले नहीं। आप में से कितने लोग हैं जो गया जी गए? गयो गया जी? अगर गया जी गए होगे, पूरी फाल्गु नदी पर बालू रेत जमी होती है, इतना खोदो तब उसमें पानी निकलता है, तब जाकर कोई पिंडदान कर पाता है। फाल्गु को भी श्राप, गया नदी को श्राप। सीता जी ने तब दशरथ जी को याद किया। दशरथ जी का हाथ निकलकर गया नदी के बीच में आया, उस हाथ को राम जी ने छू लिया, वो पत्थर का हो गया। आज भी अगर गया जी जाते हो तो दशरथ जी का हाथ है गया नदी के बीच में,
जिस पर लोग पिंडदान करने के लिए जाते हैं, पिंड देने। तो गौ माता ने झूठ बोला शिव जी के सामने, तो झूठ बोल रही है, तूने असत्य कहा, तो सत्य नहीं कह, मेरा श्राप है तुझे, सारा शरीर गौ माता का पूजा जाएगा, प्रमुखा पूज्य है। और महाराज आखिरी में जब नहीं माने ब्रह्मदेव, तब ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये आकाशवाणी झूठी है। अब ब्रह्मा जी आकाशवाणी को झूठा ठहरा, ये आकाशवाणी झूठी। और जैसे ही आकाशवाणी झूठी है, इतने में भगवान शिव को क्रोध आ गया, शंकर भगवान प्रकट हो गए उस शिवलिंग में से, और प्रकट होकर भगवान शंकर ने अपने पांव के नख के अंगूठे के नख को तोड़ा और तोड़कर फेंका, फेंकते से ही उस नख से काल भैरव प्रकट हो गया, भगवान शिव के नख से काल भैरव प्रकट। और काल भैरव प्रकट हुआ, भगवान शंकर ने कहा काल भैरव ये ब्रह्मा झूठ बोल रहा है, इसका सिर काट दे। भगवान काल भैरव ने अपने पांव की चीटी उंगली के नख को तोड़कर जो फेंका, फेंकते से ब्रह्मा जी का सिर कट गया। सिर कटा, लुढ़कते 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 गया, तो भी अभी भी ब्रह्मा लुढ़कते हुए भी झूठ बोल रहा है कि आकाशवाणी झूठी है, ये आकाशवाणी झूठी है, अभी भी झूठ। क्यों? क्योंकि सत्य को प्रमाण नहीं चाहिए, पर झूठ को प्रमाण की जरूरत, असत्य को प्रमाण। बहुत प्रमाण। और याद रखो अपनी जिंदगी में दिन भर में एक बार सरस्वती अपने मुंह से निकलती है, 24 घंटे में एक बार, इसलिए कभी भी गलत मत बोलो, झूठ मत बोलो, सत्य बोलो, सत्यम शिवम सुंदर, झूठ नहीं कह। ब्रह्मा का सिर लुढ़का, जहां ब्रह्मा जी का सिर कटा था, जहां तक सिर लुढ़क कर गया था, उस बीच में कर्मनाशा नदी ब्रह्मा जी के रक्त से प्रकट हो गई। कौन सी नदी है? जम के बोलो, कर्मनाशा। कौन सी है? कर्मनाशा। पूरे भारत की भूमि पर केवल एक नदी है, जिस नदी के घाट पर लिखा हुआ है इसका पानी मत पीना, इसका हाथ मत धोना। इसमें पूरी दुनिया में केवल एक नदी है जिसमें कुत्ता भी पानी नहीं पीता, वो तो कौन सी नदी है? जम के बोलिए, कर्मनाशा। कहां बह रही है? लखनऊ से इलाहाबाद के बीच में है, 14 किलोमीटर की, शिव महापुराण में लिखा है। अगर आज के समय में उस नदी को नापोगे तो वो 24 किलोमीटर की निकलेगी, पर शिव पुराण में 14 किलोमीटर की। 14 किलोमीटर की नदी पर यूपी गवर्नमेंट ने बड़े बड़े बोर्ड लगा कर रखे हैं, इसमें हाथ ना धोइए, इसमें पानी ना पिए, इसमें कोई स्नान ना करे, ये कर्मनाशा है, ब्रह्मा जी के रक्त से बनी हुई, झूठ बोलकर बनी हुई नदी है, कर्मनाशा। इसलिए पूरी दुनिया में केवल एक नदी है जिस पर पक्षी भी पानी नहीं पीता, कुत्ता भी मुंह नहीं मारता, कोई जीव भी उस नदी के अंदर मुख नहीं देता, वो केवल कर्मनाशा। अगर कोई विद्वान ब्राह्मण नदी के उस पार भी जाना है तो पूरी 14 किलोमीटर की नदी को क्रॉस कर जाता, नाव में बैठकर भी नहीं जाता, क्योंकि अगर कर्मनाशा का जल भी अगर शरीर को छू जाएगा तो कर्मनाशा का नियम है कि कर्मनाशा नदी में अगर कोई हाथ भी डूब दे, कर्मनाशा में अगर किसी ने स्नान कर लिया, पांव धो लिया, पानी पी लिया या हाथ का स्पर्श भी हो गया, तो उसकी 7 पीढ़ी में दादा परदादा ने अगर कोई व्रत करा हो, पुण्य करा हो, सत्कर्म करा हो, तो उसकी 7 पीढ़ी के कर्मों का नाश हो जाता है, कर्मों का नाश हो जाता है उस कर्मनाशा। ब्रह्मा जी का सर लुढ़क बहुत दूर तक, बहुत दूर। तब भगवान विष्णु ने भगवान शिव की स्तुति करी, भोलेनाथ आप कृपा करिए, ये ब्रह्मा जी का सिर जो लुढ़का है, ये कटा हुआ सिर कहां जाएगा, आप कृपा करिए, ब्रह्मा जी को लोग अपशब्द कहेंगे, महाराज आप कृपा करिए। तब भगवान ने कृपा करी, शंकर भगवान से स्तुति करी, भगवान विष्णु ने नाम स्मरण करा, भगवान शंकर का नाम स्मरण, भगवान शंकर की स्तुति कर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
भगवान शंकर की स्तुति कर कर प्रणाम कर कर नमन किया। महाराज कृपा करिए। भगवान शंकर ने कहा भगवान नारायण से नारायण मांगो, क्या चाहते हो? भगवान विष्णु कहते हैं प्रभु एक कृपा कर दो, इन भगवान ब्रह्मा का जो सिर कटा है इस पे कृपा कर दीजिए। भगवान शंकर ने कहा ए नारायण तुम्हारे कहने पर ब्रह्मा के इस मस्तक से मैं बड़ का पेड़ बटवृक्ष उत्पन्न करता हूं। कौन सा वृक्ष उत्पन्न हुआ? कौन सा पेड़ उत्पन्न हुआ? बड़ का पेड़। क्या बोलते हो? बट वृक्ष। कौन सा वृक्ष है? बट वृक्ष। बड़ का पेड़ उत्पन्न हो गया। भगवान ने कहा ब्रह्मदेव तुम्हारे झूठ बोलने वाले इस मुख से यह बड़ का पेड़ उत्पन्न हुआ है, इसलिए इस बट वृक्ष के नीचे केवल शंकर की पूजन हो सकती है, पितरों की पूजन हो सकती है, पूर्वजों की पूजन हो सकती है, बाकी की पूजन इस वट वृक्ष के नीचे नहीं होगी। अखंड सौभाग्यवती मातियां माताएं सौभाग्य पाने के लिए मात्र एक दिन इसके नीचे पूजन करने की आएंगी, उसको कहते हैं बट सावित्री।